हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है अपना जो यूजर नेम है, यूजर हैंडल है, वो कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस नाम से यहां पे दिखा रहा है यूजर और कुछ ऐसे इसका कीवर्ड है। तो चलिए इस कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में मैं आप बात करने वाला हूँ। सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है। तो मैं यूट्यूब जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा यूट्यूब स्टूडियो, उस पर आपको जाने हैं। उस पर जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो YouTube स्टूडियो ओपन हो जाएगा, देखिए मेरा ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आप अगर मोबाइल में ओपन कर रहे होंगे तो डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप साइट होता है उसे ऑन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लैपटॉप में ओपन कर रहे हैं तो आपके साथ ऐसे ही शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपको आना है कस्टमाइजेशन में, ठीक है। कस्टमाइजेशन पे एक बार क्लिक करना है। कस्टमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक इन्फो पे जाना है, ठीक है। बेसिक इन्फो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम और यहाँ पे दिखा रहा होगा हैंडल, ठीक है। तो जो भी आपको हैंडल चूज करना है, यहाँ पे मेरा जो वहाँ पे पहले वाला पेज था रिफ्रेश नहीं हुआ था, यहाँ पे जो भी आपको चूज करना है हैंडल, चलिए मैं कुछ भी हैंडल चूज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, हैंडल में। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ और देखिए अब मैं बैक स्पेस प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे लिख रहा है कि हैंडल कैन ओनली कंटेन्स लेटर्स, नंबर्स, पीरियड, डैश एंड अंडरस्कोर्स। तो आप क्या कर रहे होंगे, बहुत कोई अगर आप यूजर आईडी यहाँ पे हैंडल बनाने की कोशिश कर रहे होंगे तो यहाँ पे ऐसे इरर शो कर रहा होगा, ऐसे इरर, ठीक है ना। तो उसके लिए सिंपली आपको एक बार जो बैक स्पेस है उसे इरेज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे शो कर दिया कि हाँ https://youtube.com/ और जो हमारा यूजर नेम है वो आ गया आपका। अगर आपका ये नहीं अवेलेबल रहता, जैसे मान लीजिए कि मैं केवल डेवलपर लिखता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं कि अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो ये अवेलेबल नहीं है, दिस हैंडल इज टेकन। तो इसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अंडरस्कोर कुछ और लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि मैं ऐड कर लिया हूँ, तो उसके बाद से यहाँ पे आएगा आपका पब्लिश, ठीक है। तो मैं तो पहले से सेव कर चुका हूँ, चलिए इसमें कुछ और लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे रंजीत, और यहाँ पे 73 लगा देता हूँ, चेक करता हूँ अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल है, यहाँ पे टिका गया, और यहाँ से आपको सिंपली पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो पब्लिश करने के बाद सिंपली यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करके गो टू चैनल में जाके देख सकते हैं कि आपका पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा जो यूट्यूब चैनल है ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे डेवलपर रंजीत और 73 दिख रहा है। और URL में भी आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे डेवलपर रंजीत 73 दिख रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही ढेर सारे यूट्यूब वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।